ऐसा लग रहा है ना जैसे हम कोई ख्वाब देख रहे हों। मैं तो जीता ही ख्वाबों में हूँ। क्या क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, छोड़ो इस बात को। मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ। एक तो मैं तुम्हारी वजह से बड़ी परेशान हूँ मायूं। क्या तुम हर वक्त इस घार में घुसे रहते हो? आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? आप ऑफिस से कब आईं? मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बाप ने मुझे क्या कम पागल किया हुआ था जो अब तुम भी मेरी जान का अजाब हो गए हो। लेकिन माँ मैंने क्या किया है? नहीं नहीं तुमने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे अब्बा ने भी कुछ नहीं किया, सब कुछ मैंने किया, सारी गलती मेरी, सारा कसूर मेरा, हद हो गई। हेलो। हाँ जोया, जल्दी बोलो क्या बात है। और असद वो यहाँ है कब जो मैं उसे मिलूंगा? हाँ यार लाहौर गया हुआ है ईपी के कॉन्सर्ट में। अब इतनी सी बात के लिए मैं कसमें खाऊंगा? चलो ओके बाय। क्यों आए हो यहाँ? मैं वो निदा को ये सब कुछ देने। पार्टी रात को। मैं तुम जानती हो कि मैं अशफाक का सामना नहीं करना चाहता। मेरी बेटी कहाँ है? याद रखना आज के बाद तुम अपनी बेटी से एक महीने बाद ही मिलोगे। महर तुम इस नाम से पुकारने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अजनबियों के लिए मैं मिसेस अशफाक हूँ और मुझे मेरी बेटी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? हाँ तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो 15 दिन बाद, क्योंकि कोर्ट का यही ऑर्डर है। पापा। हाय बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू सो मच। ये देखो ये तुम्हारे लिए, ये भी इसको खोलो। बहुत खूबसूरत है। अच्छा है ना? बहुत अच्छा। पसंद है ना तुम्हें? बहुत पसंद आया। पापा आप रात में आ रहे हैं ना? वो बेटा वो मुझे एक जरूरी काम है,
शायद मैं नहीं आ सकूं। I'll see you some other time. ठीक है, अभी मुझे रेडी होना है, मैं चलती हूँ। ओके बेटा। थैंक यू। टेक केयर। टेक केयर। बाय। बाय। निदा बड़ी हो गई है, ये छोटे मोटे गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अशफाक इनसे ज्यादा कीमती गिफ्ट उसे देता है। यार हुमायूं कहाँ है भाई? हाँ तकी, बस पहुंच रहा हूँ यार। अरे चल जल्दी आ, तू नीचे वेट कर मेरा। आ रहा हूँ। ठीक है। जा रही सवारियां? अब्बा वो दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ जा रही है? और ये हाथ में क्या तेरे? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ तो है, दिखा तो रहा। अब्बा वो तोहफा है दोस्त का। तोहफा? क्या चुरा के ले जा रही है घर से? अब्बा दिखा तो, कहीं माँ के कंगन तो नहीं चुरा के ले जा रही है? भाई बंद किया रखा है? अब प्लीज। ओहो, ताजमहल मोहब्बत की निशानी कहाँ लेके जा रही है? किस लड़की को देगा ये? अब भाई मैंने चोरी नहीं किया, मैंने अपने पैसे जमा करके अपने दोस्त के लिए तोहफा लिया है। पैसे? तो पैसे कहाँ से आए? अब्बा मुझे देर। वाह वाह, वो क्या कह रहे हैं? हाँ तकी। यार कहाँ है भाई? चल जल्दी आ, जल्दी आ। एक शहनशाह ने बनवा के हसीन ताजमहल। तेरी मोहब्बत की निशानी तो मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। कहाँ रह गया था यार? यार बस भी करते, माफ कर दे अपने बाप को। हालांकि वो इस काबिल तो नहीं है, लेकिन बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना।
अगर इजाजत हो तो चले इंदा की पार्टी में। सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे भी दे दी। टेंशन नॉट यार, वैसे भी हम दोस्तों की पार्टी तो बाद में उरूज पे आती है ना। चल इस मुंह के साथ, तूने अपनी शक्ल देखी है कि यार पहले किसी अच्छे से मॉल के वॉशरूम में चलते हैं, जा जाके तू अपनी रोती हुई शक्ल ठीक कर, फिर हम निदा के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेंगे तुम्हारी तरफ से। नहीं यार मेरे पास। बस 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 खामोश, इससे आगे कुछ बोला तो तेरे होंठ पत्थर के हो जाएंगे। पत्थर के होंठ के दोस्त के साथ घूमते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगेगा यार। चलें। चल Hi. Happy birthday. Thank you. You're welcome. कैसे हो? बस ये ना पूछो। क्यों खैरियत? यार मॉल में चला चला कर टांगों का भुरगस निकाल दिया। क्यों हुमायो? I don't know ये क्या कह रहा है। जरा खोल कर तो देखो। तकलीफ लाया क्या है तुम्हारे लिए? सही कहा। नहीं प्लीज अभी नहीं, मेरे सामने नहीं। अच्छा ठीक। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच। जस्ट ओवरनाइट इधर। ओके इफ यू से सो। हाँ अभी। That's beautiful. पहले से स्पेशली सिर्फ तुम्हारे लिए लाया हूँ। Thank you. It's okay. हुमायूं, तुम्हारा गिफ्ट भी खोलती हूँ। No, no, not yet, please. अरे निदा क्यों शर्मिंदा कर रही हो हुमायूं को? लाया होगा कोई सस्ती सी चीज, जब भी तू मना कर रहा है, बेचारा। मोहब्बत और खुलूस से लाया हुआ एक गुलाब का फूल दुनिया की सारी दौलत पे भारी होता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे ये बात। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। लुकिंग स्टनिंग। यू टू। बाकी लोग कहाँ हैं? यहीं कहीं होंगे। लेट्स गो फाइंड आउट। ओके। फूल? क्या तुम भी सिर्फ एक फूल लाए हो? Stop it, sir. What? Hello, Rudy. हाँ. क्या हो रहा है भाई?
जज्बों की कीमत और उनकी अहमियत पर डिस्कस। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। क्या तुम भी सिर्फ एक खुला उन्हें देख के लिए? तुम्हें कोई तकलीफ? भाई मुझे क्या तकलीफ होगी, ऐसे मौके पर तो ये देखा जाता है कि कौन किसके लिए कितना खर्च करता है। वो ना आखिर स्टॉक ब्रोकर के बेटे, हमेशा खर्चे और मुनाफे की बात करना। दानिश मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, लिहाजा मैं भी यही चाहूंगा कि तुम भी मुझे मुखातिब ना करो। रिलैक्स गाइस, आज निंदा की बर्थडे, कम से कम आज के दिन तुम लोग मत लड़ो यार। हाँ, हमारे ग्रुप में सिर्फ एक ही है जिसे अपनी दौलत और ताकत पर बहुत नाज है। हाँ जोया, तुमने पूछा नहीं असद से कहाँ था ये? ओहो तो ये तुम्हारी शरारत है। अरे भाई शरारत कैसी यार, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं झूठ वूठ नहीं बोलता। इसने खुद मुझे फोन किया था, मैंने इसको नहीं, चाहो तो खुद पूछ लो। हाँ ही इज राइट। निदा चन, निदा स्वीटहार्ट, जस्ट कम अलोंग विद मी। वे मॉम। भाई मैं आपकी फ्रेंड को थोड़ी देर के लिए अपने साथ लेके जा रही हूँ। श्योर आंटी। या शी इज योर्स। थैंक यू। एक्सक्यूज मी गाइस। Yeah. Listen, I'm calling you back. Humayun, Taki, तुम लोग कब आए? मैंने तुम्हारे घर भी फोन किया था। तुम दोनों कहीं साथ तो नहीं आने वाले थे? सॉरी यार, मैंने तुम लोगों का प्लान खराब किया। ए, तूने भी मुझे नहीं बताया यार। Taki, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे हुमायूं के घर फोन किया था, कोई प्लान व्लान नहीं था हमारा साथ आने का। हाँ हाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, कुछ भी नहीं था। कौन मैं? आ रहा हूँ यार, एक्सक्यूज मी मैं आता हूँ। अंकल आंटी कैसे? ठीक है, तुमने तो उनको बहुत जादू सा कर दिया, हर वक्त तुम्हारी तारीफ ही करते रहते हैं। अच्छा तुम कल कॉलेज आओगे? हाँ, ना आने का कोई जवाब नहीं बनता। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। क्या? कल आओगे तो खुद ही देख लेना। तुम बैठो ना। घर पर फोन किसने उठाया था? घर पर? तुमने मेरे घर पर फोन किया था ना? हाँ, तुम्हारी अम्मी ने। क्या कहा? कुछ नहीं, यही कि तुम घर पर नहीं और बस। और ये कहकर फोन रख दिया होगा। हाँ हुमायूं, तुम अपने पेरेंट्स की वजह से बहुत परेशान रहते हो ना? हाँ पता नहीं, पार्टी कितनी अच्छी है। नहीं हाँ हाँ बहुत अच्छी। ये असद वगैरह नजर नहीं आ रहे, कहाँ है? वो वहां बैठे हैं। तुम मिले इनसे? हाँ मैं मिल लिया, तुम भी जाओ मिल लो। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, वैसे भी मैं उन लोगों में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती। खुश है ना? हाँ हाँ बहुत खुश है। हाँ लकी हुआ तुम सब अपने पेरेंट्स के साथ जो रहते हो, माँ बाप का प्यार मोहब्बत क्या होता है मुझे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं। और तुम्हारे अंकल आंटी?
वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते क्या? करते हैं, मगर उनकी बात अलग है। सोचती हूँ उस कार एक्सीडेंट में मैं बदनसीब क्यों बच गई। तुम उन्हें खोकर बदनसीब हो और मैं पाकर। अरे ये बेचारा हमारी नजर नहीं आ रहा यार, तुम क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो और तुम क्यों हर दफा उसके तरफदार बनकर आ जाते हो? Because he is my friend. Friend? या तरस खाकर अपने साथ रखा है उसे? असद, अब तुम हद से गुजर रहे हो। तुम इसे इसकी हद में रख सकते हो तो रख लो। That's why I like you, Zoya. But I don't. जब भी तो लोगों से मेरे बारे में पूछती रहती हो। चल यार मायो, यहाँ पोल्यूशन कुछ ज्यादा ही हो गई है। मायो, तुम तकी की बीवी हो जो उसके इशारों पे चल पड़ते हो। एक कितना सुकून था ना यार, जब ये दोनों हमारे ग्रुप में नहीं थे। क्या कहा तकी? मैंने सुना नहीं। तेरा ना सुनना ही बेहतर है। मैं तुमसे एक बात कहूं? दानिश प्लीज लीव इट। एक मिनट, दुनिया में कितने ही बादशाह हैं, या तुम कितने ही बड़े आदमी क्यों ना बन जाओ, जाना सबने जमीन के अंदर, फिर तुम क्यों अमीरी और गरीबी का फर्क करते हो? क्या हुमायूं बुरा इंसान है? लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे, सिर्फ इसलिए कि तुमने एक अमीर घराने में आंख खोली। चलो मामा। थैंक यू। हा आज निदा की सालगिरह है ना, मैं जानता था आज तो अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा होगा, इसलिए चला है। थैंक यू यार, मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कि मुझे ज्वाइन कर ले। क्यों? तू जानता है मैंने सारी जिंदगी एक्शन किया है, मुल्क और कौम के नाम पर कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, अब उनका भूत मेरे इर्द गिर्द घूमता है, मैं उनकी तादाद नहीं बढ़ाना चाहता। ये भूत तेरी जिंदगी का हिस्सा है, तू इनसे डरता नहीं बल्कि इनके दरमियान खुश रहता है। यार ये तेरा इमेजिनेशन है, जब अपने आप को मसरूफ कर लेगा ना तो ये सारे भूत हवा बंद कर उड़ जाएंगे, समझा? कोई और बात करे यार। कोई और बात? कोई और बात तूने अपनी जिंदगी में छोड़ी कहा है? सबको तो निकाल बाहर किया। हाँ मैंने सबको निकाल बाहर कर दिया है, मगर अफसोस इस बात का है कि मेहर मुझे नहीं समझ सकी। मेहर भाभी भी यही बात कहती हैं। तू भी यही कह रहा, हालांकि सब कुछ जानता है। इसीलिए तो कह रहा हूं, तूने भी तो अपने ऊपर काम को बहुत ज्यादा हावी कर लिया था। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, अब कुछ नहीं रखा इनमें। चलो पिज्जा खा, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या पिएगा, ब्लैक या वाइट? बस अब एक हफ्ते की बात है और फिर एक लंबी वेकेशन।
इस बार की वेकेशन पर डैड ने मुझसे कहा है कि मैं उनके साथ बिजनेस में शामिल हूँ। तो फिर वेकेशन का फायदा मतलब? मतलब क्या? एक काम करते हैं, सब फ्रेंड्स का ग्रुप। क्या मतलब कहाँ? मतलब कहीं शहर से बाहर या मुल्क से बाहर? मुल्क से बाहर तो नामुमकिन है, शहर से बाहर जा सकते हैं। जी हाँ, इस तरह के प्रोग्राम ना पहले भी 10 मरतबा बन चुके हैं और जब अमल का वक्त करीब आता है तो सब भाग जाते हैं। पिछली दफा तुम स्टेज गए थे। मैं बाद में गया था, पहले तुमको इजाजत नहीं मिली थी और वो असद साहब जो हैं वो मसरूफ थे। मैं तो पहले वाले प्लान के लिए भी तैयार था। हाँ, हमारे ग्रुप में एक शहर है जो कहीं भी जाने के लिए हमेशा तैयार होती है। पेरेंट्स ना होने का यही तो एक बड़ा फायदा है। अब अच्छा, अब तुम रोने मत लग जाना, तुम्हारे अंकल आंटी तुमसे बहुत प्यार करते होंगे। सो व्हाट्स द प्लान? कैसा प्लान? सी, मुझे पता था। कैसा प्लान? ओह, पिकनिक का? घर में पूछना पड़ेगा। चलो अब पिकनिक का प्लान भी कैंसिल समझो। नहीं, इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ कि मैं पापा से बात करूँ। चलो देखते हैं। ये तकी और हुमायूं नज़र नहीं आ रहे, कहाँ हैं? इतने पढ़ाकू कब से हो गए हैं दोनों? हुमायूं तो बहुत पढ़ाकू है और तकी मुझे लग रहा है कि वीडियो गेमिंग में PhD करना चाह रहा है। क्या हुआ, तुम एकदम खामोश क्यों हो गई? तंग आ गई हूँ अपनी बेमकसद जिंदगी से। सामने समंदर है, खुदकुशी कर लो। शायद एक दिन कर भी लूं। मेरा फिर दिमाग खराब हो गया? घर पर कोई बात हुई क्या? नहीं, घर पे कहाँ बात होनी, घर कहाँ है, वो तो होटल है। मामा को अपनी सोशल लाइफ और पापा को अपने बिजनेस से फुर्सत कहाँ मिलती है, और पीछे बची मैं। मेरा क्या है, मैं तो भटकती रहती हूँ, भटकती रूह की तरह। आखिर कब तक यूं बेमकसद घूमती रहूंगी असर, कब तक? ये तो तुम ठीक कह रही हो, लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है, कोई ऐसी बात जो जिंदगी में थ्रिल आ जाए। ये लो, ये तुम्हें हर चीज से बेगाना कर देगी। तुमने फिर नशा शुरू कर दिया? नहीं, सिर्फ उन लम्हों में जब मेरी भी कैफियत तुम्हारी जैसी होती है। ट्राई कर लो। नहीं, मुझे ड्रग्स नहीं लेनी। ये तुम पीकर तो देखो, सारे काम भूल जाओगी। लो। हेलो। जी सर। नहीं सर, मुझे तो नहीं मालूम। जी ओके सर, राइट सर। जी सर, गुड आइडिया सर। ओके, अल्लाह हाफिज। जी माँ। किससे बात कर रहे थे? माँ वो कोई नहीं, दोस्त की कॉल थी। अच्छा, दोस्त की कॉल थी और दोस्त को तुम सर सर कह के बुला रहे थे? नहीं माँ, वो दोस्त के वालिद की थी। झूठ मत बोलो हुमायूं, सच सच बताओ किसका फोन था? माँ ये मैं आपको नहीं बता सकता।
सहर मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? मेरी जान, क्या हुआ बेटा? फिर कोई डरावना ख्वाब देख लिया तुमने? नहीं, वो बंदा था, वो मुझे पंजे मार रहा था, मैंने खुद देखा है। कौन बेटा? यहाँ तो कोई भी नहीं है और खिड़कियां दरवाजे भी बंद हैं। बंद कहाँ था? हाँ हाँ, अरे बेटा तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे। तुम जरूर कुछ ख्वाब में देखा होगा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, सब ठीक हो जाएगा मेरा बच्चा। आ, मैं तुझ पे दुआ कर। मेरे ख्याल मैं बाहर मेन डोर चेक करता हूँ। जल्दी से जाए। कोई नहीं मेरा बच्चा, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। क्या पढ़ रहे? कुछ नहीं। अरे वो तूने सुना, दानिश टूर का प्रोग्राम बना रहा है। टूर? कैसा टूर? वेकेशन टूर यार। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? पता नहीं यार, पहले निदा को इजाजत मिल जाए फिर देखते हैं। वेल, गुड लक। What do you mean by good luck? मतलब खैर से जाओ, खैर से आओ। क्या मतलब? तू नहीं चलेगा? तू जानता है तकी, मैं नहीं जा सकता। तू अच्छी तरह से जानता है कि तू चल सकता है। तकी यार, मैं पहले ही तेरे एहसानों तले इतना दबा हुआ। बस कर दे यार, फिर से तूने अपना वही गुर्बत का रोना शुरू कर दिया। मैं सच्चाई से मुंह नहीं फेरना चाहता। इस ग्रुप में भी मैं तेरी दोस्ती की वजह से हूँ, वरना ये लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं ये तू भी जानता है। यार सिर्फ असद और जोया के मजाक को इग्नोर कर दे, बाकी सब तुझे अपना दोस्त समझते हैं। मजाक? काफी अच्छा मजाक बना है मेरा। एनीवेज, यू आर कमिंग विद मी? पहले प्रोग्राम तो बनने थे, मुझे लगता है हमेशा की तरह ये प्रोग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ निदा की वजह से। निदा के डैडी उसे इजाज़त ही नहीं देते, उसकी वजह से दानिश नहीं जाता, दानिश की वजह से असद, असद की वजह से जोया और जोया की वजह से इकराम। बस फिर रह जाते हैं हम दोनों, और हमारी वजह से शहर नहीं जाती। तो फिर एक काम करते हैं, किसी दिन हम दोनों ही चलते हैं शहर को लेके। बल्कि मैं भी क्यों जाऊँ, तुम दोनों चले जाओ। तू भी यार। अच्छा मैं चलूं? कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ, और कहाँ। चल मैं छोड़ दूँ? तू गेम खेल आराम से, मैं चला जाऊंगा। नो वरी। चल ठीक, टेक केयर मैन। दानिश को अपने रास्ते से हटाने से कुछ नहीं होगा। असल रजामंदी तो मैदा की है। तुम्हारी यही तो बातें हैं कि तुम्हारे शहर से मैं आज तक निकल नहीं पाई। शायद ये तुम्हारी विश्ती जो मेरी आज तक महर से नहीं बन पाई। तेरी वजह से मैं सौरत को बर्दाश्त कर रहा हूँ, पर तू ना होता ना तो मैं कभी इसको अपने पांव की जंजीर ना बनाता। अब बोल। इकराम, मुझे पिस्टल चाहिए। क्या वाकई तेरे इरादे तो ठीक है ना? बट तुम्हारी शादी के बाद कैसी अधूरी दास्तां, न मन